अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो नॉवल इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटलेस डेज, जिसको लिखने वाली हैं सारा सुलेरी। मीटलेस डेज जो है वो 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर इसका एक्सीलेंट थिंग्स इन वेमेन है। उस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को सुनने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँ कि मैंने ऑलरेडी मीटलेस डेज बाय सारा सुलेरी के ऊपर डिटेल इंट्रोडक्शन बनाया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख ले, ताकि आपको इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, वो क्लियर हो और इस चैप्टर को, इस नॉवल को प्रॉपर वे में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो रिस्पेक्टिव चैप्टर, जिसका नाम है एक्सीलेंट थिंग्स इन वेमेन, हम पढ़ने जा रहे हैं ना, टाइटल जो बड़ा फेमिनिस्टिक है, क्योंकि टाइटल के अंदर ही वेमेन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो वो बता रही है जो चीज़ें विमेन के अंदर एक्सीलेंट हैं वो उनका जिक्र इस चैप्टर में करने वाली है। टाइटल ये इंडिकेट कर रहा है, तो इट मींस राइटर ने फेमिनिस्टिक अप्रोच यूज़ किया है इसके अंदर। बाकी जब हम फर्दर स्टोरी पढ़ेंगे, हमारे पास जो थीम सामने आने वाले हैं उसमें से एक फेमिनिज्म होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम। जो पूरी बुक है ना, 9 के 9 चैप्टर दे ऑल आर फेमिनिस्टिक। ठीक है, फेमिनिज्म के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस नॉवल के अंदर देखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर, रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर, वो है पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स। क्या है, जब भी आप पर्सनल रूटीन की बात कर रहे हैं, बीच में कोई ना कोई पॉलिटिक्स का एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि बात होगी दादी की डेथ की, साथ ही भुट्टो जो है उसको हैंग्ड जो किया गया था उसको रिलेट कर दिया जाएगा, उसका एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह बात होगी इफित के हस्बैंड की, तो साथ ही 1971 की वॉर हुई थी उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो दादी है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आ गई थी, पंजाब में, तो फिर पार्टीशन का टाइम पीरियड एक पॉलिटिक्स का टाइम पीरियड है, उसको भी रिलेट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स, यानी कि आपकी पर्सनल रूटीन को पॉलिटिक्स के साथ डिस्कस किया जाना, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। बाकी रिलीजन का एलिमेंट भी नज़र आएगा हम लोगों को, कि ये इसके अंदर रिलीजन के थीम को रिफ्लेक्ट करेगी। पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड नज़र आएगा, इमिग्रेंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि सारा सुलेरी माइग्रेट करके कहाँ चलेगी, न्यू हेवन में। माइग्रेशन कहाँ से की, पाकिस्तान से। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है करेक्टर दादी का। थ्रू एंड थ्रू जो स्टोरी है वो दादी के अबाउट लिखी गई है, कि दादी ऐसे करती थी, दादी वैसे करती थी, सो ऑन। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बातें इसके अंदर आएंगी। बाकी अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट मिस ना हो और पूरे लेक्चर को प्रॉपर वे में अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जो है वो नॉवल की, इस चैप्टर की, एक्सीलेंट थिंग्स इन वेमेन की, वो क्या है, लिविंग पाकिस्तान वॉज ऑफ कोर्स tantamount to giving up the company of women। यहाँ पे मैं वर्ड लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा, या आपके पास टेक्स्ट है तो वहाँ से टैली कर लीजिएगा, कि पाकिस्तान को छोड़ना ऐसा ही था या जैसा कि औरतों की कंपनी को छोड़ना। फिर राइटर जो है वो स्टोरी नरेट करने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताती है कि मैं ये चीज़ सिर्फ अनीता को बता सकती हूँ। अनीता इसकी दोस्त है, डेल इसकी दोस्त है, फौजी इसकी दोस्त, मीन्स ये तीनों इसकी फ्रेंड्स हैं। कहती है मैं ये चीज़ अनीता को बता सकती हूँ। क्या चीज़, कि मैंने पाकिस्तान छोड़ा और पाकिस्तान छोड़ने के बाद कैसा था एक्सपीरियंस, बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैंने औरतों की कंपनी को छोड़ा। फिर ये डेल का जिक्र करती है, डेल कहती है ह्यूस्टन में रहती है और वो भी मेरी इस बात को समझ जाएगी जो मैं उसको बताना चाहती हूँ, और एक दिन वो इसके ऊपर किताब भी लिखेगी जिसके अंदर जो विमेन की स्टोरीज थी उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फौजी जो एक और दोस्त है, कहती वो भी मेरी इन बातों को अंडरस्टैंड कर सकती है। फर्स्ट थ्री कैरेक्टर जो हमारे सामने आते हैं वो है अनीता, डेल और फौजी, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, सिर्फ इतना मिला कि अनीता के साथ ये न्यू हेवन में वॉक करते हुए थोड़ी बहुत गपशप करती है। डेल जो है वो एक राइटर है, वो बुक्स लिखती है। फौजी जो है उसके ऊपर भी माइग्रेट करने का एक इम्पैक्ट है। स्टार्टिंग ऐसे देने के बाद ये आती है कि अगर मैं स्ट्रेंजर या उन लोगों को जिनको ये जानती है, और कुछ ऐसे लोग जो कि फुली डेवलप नहीं हुए, जिनसे मेरा कनेक्शन नहीं भी है,
मैं उनसे भी जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, जो विमेन की डेफिनेशन है, मेरा जो रेफरेंस है, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ. कहती है, माई रेफरेंस इज़ टू अ प्लेस वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन वॉज नॉट रियली पार्ट ऑफ एन अवेलेबल वोकैबलरी. कि मैं उस प्लेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उनकी वोकैबलरी के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता. और यहाँ पे वो प्लेस किसको रेफर कर रही है? पाकिस्तान को. आगे कहती है, वी वर टू बिजी फॉर दैट जस्ट लिविंग एंड कंडक्टिंग प्रिसाइज निगोशिएशंस विद व्हाट इट मेंट टू बी अ सिस्टर और अ चाइल्ड और अ वाइफ और अ मदर और अ सर्वेंट. यानी कि सब की सब जो औरतें हैं उनको एक ही पैमाने पे, एक ही स्केल पे रखा जाता है. और कहती है, कभी हम खुद के बारे में सोचने आ जाएं तो हम किस तरह सोचते हैं खुद को? एक वीमेन के तौर पर सोचते हैं. वो कैसी वीमेन होती है? ओनली बायोलॉजिकली. ये बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही है कि पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, और उस व्यू को ये ऑडियंस के साथ, रीडर के साथ शेयर कर रही है. और इसके इस फेमिनिस्टिक व्यू की बेस पे इसको कई क्रिटिक्स ने, कई राइटर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है. बेसिकली सारा सुलेरी एक पेट्रियोटिक लेडी नहीं थी, और ना ही वो है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका यहाँ पे पाकिस्तान में पैसिमिस्टिक एक्सपीरियंस रहा है. पाकिस्तान में इसकी मदर की डेथ हुई, पाकिस्तान में इसकी दादी की डेथ हुई, इसके फादर की जो जॉब थी उसको वो छोड़ना पड़ी, इसका हस्बैंड था इफ़त का, इसकी सिस्टर का, उसको अरेस्ट कर लिया था. ये सब कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो अपनी विमेन के डेफिनेशन के बाद ये पास्ट में चल जाती है. दादी की बात करती है. माय फादर्स मदर, कहती मेरे फादर की वो अम्मी थी, वो मीरठ में पैदा हुई थी, पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी. और जब वो 16 साल की थी उनकी शादी हो गई थी, और उनकी 30s में वो विडो हो गई थी. उसके बाद लेटर डिकेड्स यानी कि इनकी 40s के अंदर उनको ये भी नहीं याद रहा था कि उनके कितने बच्चे हैं. दादी उर्दू स्पीकिंग नहीं थी, बहुत थोड़ी उनको उर्दू बोलनी आती थी. फिर 1947 में अगस्त के मंथ में इंडिया जो था उसमें पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान सेपरेट हो गया था. फिर कहती है, अपनी थिन प्योर उर्दू के साथ वो भी पंजाब ऑफ पाकिस्तान में आ गई थी, और वहाँ पे आने के बाद वो अपने एल्डर सन जो कि मेरे फादर थे उनका इंतज़ार कर रही थी. फादर जो थे वो एक प्लेस जिसका नाम इंग्लिस्तान और इंग्लैंड था, वहाँ पर चले गए हुए थे अपने करियर बनाने के चक्कर में. फिर सारा बताती जो उसकी दादी थी ना, बड़ी पीव्ड थी, मीन्स अनोयड और इरिटेटेड काइंड ऑफ मूड रखती थी. उनको ना ये जो पाकिस्तान सेपरेट हुआ था ना, पार्टीशन हुई थी, वो पसंद नहीं था. कि पाकिस्तान का सेपरेट होमलैंड बन जाना, ये चीज़ पसंद नहीं आई थी दादी को. क्योंकि कहती थी कि इस पेस ने ना, इस चीज़ ने डिस्टेंस बना दी है लोगों के दरमियान में. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब पार्टीशन हुई थी ना, तो कुछ लोग थे जो कि पार्टीशन के अगेंस्ट थे, और कुछ लोग पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे. और जो लोग अगेंस्ट थे वो कायदे आज़म के भी अगेंस्ट थे, वो मुस्लिम की जो आइडियोलॉजी थी सेपरेट होमलैंड की उसके भी अगेंस्ट थे. लेकिन यहाँ पे वो दादी के रिलीजियस ट्रेट्स को मेंशन करेगी, लेकिन साथ में ये भी बताया कि वो जो ये पार्टीशन हुई थी उसको पसंद नहीं कर रही थी. क्योंकि दादी का ये मानना था कि पार्टीशन जो है उसने यह किया है, डिस्टेंस क्रिएट कर दी है लोगों के दरमियान में. कहती हूँ दादी की जो बैग थी ना, वो श्रिम्प लाइक थी. झींगा देखा है आपने, वो ऐसे झुका होता है ना, कर्व शेप होती है, तो वैसे कह रही है. मीन्स ये फेस है तो ये उनकी बैक है जो कि श्रिम्प लाइक हो चुकी हुई है, झुकी हुई हुई है. और जो दादी का सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो सैटर्न था, शैतान. शैतान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझती थी, और कोई भी मसला होना शैतान के ऊपर उसने बददुआएं देने की, शैतान की वजह से हुआ है. बड़ी ऑफुल किस्म की ना कर्सेस, बददुआएं दिया करती थी. अब जो उनकी बैक थी वो तो श्रिम्प लाइक हो चुकी हुई थी, बेंट हो चुकी हुई थी. अब दादी के वहाँ पे घर में जो डाइनिंग रूम था, डाइनिंग रूम के अंदर टेबल था. अब डाइनिंग रूम टेबल के अंदर ऊपर वो बड़ी मुश्किल से चढ़ती थी, चढ़ के वहाँ पे लेट जाती थी मोल्ड होकर, झुक कर. वो सारा कहती है, जब वो डाइनिंग टेबल रूम के ऊपर, यानी डाइनिंग रूम के ऊपर जो टेबल था उसके ऊपर जब लेटती थी ना, तो वो मोल्डिंग सेंटर पीस दिखती थी, और फिर वो शैतान को बददुआएं देना शुरू हो जाती थी. अब दादी का जो बड़ा बेटा, सारा के फादर, वो मैरिड थे, लेकिन जब वो इंग्लिस्तान गए
वहाँ पे उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी कज़न, उन्होंने उनको छोड़ दिया, और एक वाइट लेग्ड वुमेन जो कि वेल्स से बिलोंग करती थी उनसे शादी कर ली। दादी की एक बेटी थी आयशा, उसकी भी डेथ हो गई। तो कहते सब कुछ शैतान का किया लड़ाया, शैतान की वजह से हुआ है, तो हर चीज़ में सैटर्न वॉज टू ब्लेम। और दादी का यंगेस्ट सन, दादी ने उसको स्विट्ज़रलैंड, जिसको स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वहाँ भेज दिया था। दादी सिर्फ खुदा से मोहब्बत करती थी, शी लव्ड गॉड, और सिर्फ खुदा ही को वो बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर पाती थी। दादी के पसंदीदा दिन वो दिन थे जब ये गार्डनिंग किया करती थी और इनके फादर यानी कि सारा के जो फादर थे उनका ख्याल रखा करती थी। दादी एक स्टील की नाइफ लेकर वहाँ पे जो गार्डन में दरख्त हुआ करते थे ना, उनको काट काट कर अपनी स्टिक बनाया करती थी। हालांकि जो सारा के फादर थे वो दादी को बहुत ज़्यादा वॉकिंग स्टिक्स ला के दिया करते थे, लेकिन फिर भी दादी हमेशा गार्डन में जाकर दरख्त को काट के अपनी एक न्यू किस्म की स्टिक्स बनाया करती थी, वॉकिंग स्टिक्स। सारा कहती है इस चीज़ से मेरे अब्बू को बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन दादी अपनी ज़िंदगी में मस्त, दादी के अपने ही डिफरेंट एम्स थे, अपने खुद की इन्वेंशन किया करती थी, अपनी खुद की स्टिक बनाना उनको पसंद था। इवन के सड़क पर गाड़ियाँ चल रही होती थी तो वो उसको भी अपनी स्टिक से ही रोका करती थी, और गोड के बारे में बातें करना उनको बड़ा पसंद था। इसके अलावा दादी का इंटरेस्ट फूड में था, हर टाइम उनको खाने का होता था कि उन्होंने खाना खाना है, कुछ अच्छी मील्स खानी है। अब दादी को तो अच्छी उर्दू बोलनी नहीं ना आती थी, तो दादी इशारा करके पूछती होती थी कि व्हाट इज़ इट कॉल्ड, तो उनको बताया जाता था कि ये आलू का भरता है। दादी को ना आलू का भरता बड़ा पसंद था। तो कहते थे सायरा बेगम, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करेक्टर जो नरेटर है वो इंट्रोड्यूस हो गया। यस सायरा बेगम, यू कैन पुट सम हेयर, कि तुम यहाँ पे कुछ डाल दो। हमारे पास पहले कौन सा करेक्टर आया, अनीता का, डेल का, फिर फौजी का, उसके बाद दैदी का करेक्टर आ गया। दैदी के साथ साथ ही हमारे पास फादर का करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। जब फादर की बात कर रहे थे तो हमारे पास अब यहाँ पे सायरा बेगम जो कि सारा सुलेरी खुद है उनका करेक्टर आया। वर्ड बेगम इज्जत के साथ बोला जाता है, तो यहाँ पे दादी इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू अ वुमेन, वो औरत को रिस्पेक्ट दे रही हैं बेगम बोलकर। अब दादी जो थी कहती डाल दो लेकिन ज़्यादा मत डालना। अब उनका खाना ज़्यादा खाने का दिल करता था, लेकिन कहती थी कुछ जो है ना खाने के रिचुअल्स होते थे, उन रिचुअल के बेस पे वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाती थी। रिचुअल्स मीन्स के बताया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसा कि हमें कहा जाता है कि खाना जो है वो थोड़ी भूख रख के खाना चाहिए, इससे क्या होता है स्टमक ख़राब नहीं होता, आप मोटे भी नहीं होते, आपकी तबीयत भी आवाज़ार नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो वही रिचुअल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रही है। कहती है द रिचुअल हैपेंड 3 times a day, वी पोंडर्ड इट। फिर इसके बारे में बात करने के फ़ौरन बाद वो ईद उल अज़हा का जिक्र करती है, क्योंकि ये फिर फूड से रिलेटेड था। कहती है मुसलमान को ना फेस्टिवल था ईद, वो फेस्टिवल नहीं जो कि फास्टिंग के बाद आता है, लेकिन सेकंड ईद जो कि इब्राहिम की स्टोरी के ऊपर बेस करता था। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट पीपल बाय शीप और गोट्स बिफोर हैंड एंड फैटन देम अप फॉर वीक्स विद डिलेक्टेबल्स। क्या है, लोग जो है पाकिस्तान में शीप्स खरीदते हैं, गोट्स खरीदते हैं, उनको खिला पिला के मोटा करते हैं कुर्बानी से पहले पहले। फिर जब कुर्बानी का दिन आता है तो अपने बेटों की जगह वो उस जानवर की कुर्बानी देते हैं। फिर जो हमसाए होते हैं वो इर्द गिर्द गोश्त एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ईद प्रेयर्स के बाद जितने भी आदमी हैं वो घर आते हैं, आकर एनिमल इज किल्ड, यहाँ पे किल्ड का वर्ड यूज़ किया जबकि वी सेक्रीफाइज्ड। फिर कहते हैं उनको किल करने के बाद किचन की तरफ गोश्त भेजा जाता है, और फिर उसके बाद लंग, लिवर, इनको ग्रिल किया जाता है। कहते हैं सब कुछ होना ना मेरी वेल्श मदर के लिए एक अजीब चीज़ थी, वो इस कस्टम को पसंद नहीं करती थी। वो कहते मैं इस मेटाफर को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, और कहीं ना कहीं जो सारा के फादर थे वो भी उसके साथ एग्री करते थे, बट दादी डिडंट एग्री, वो कभी भी एग्री नहीं होती थी। कहती एक दिन ना दादी ने ना बेबी गोट खरीदी और उसको घर ले आई, ईद से कुछ मंथ पहले ही। वो उसका बड़ा ख्याल रखती थी, उसको पीस खिलाती थी, मटर मक्खन खिलाती थी। कहती इफ़त, शाहिद,
एंड आई, हम तीनों बड़ी खुशी खुशी उस ना उस जो गोट थी उसका वेलकम किया। हम लोगों ने उसका अपना फर्स्ट पेट बना लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शाहिद के पजामास थे वॉशिंग लाइन पर रखे हुए थे, ये गोट उसको खा गई। कुछ टाइम गुजरा, वो गोट हमारा एक ह्यूज एक बिग साइज में एनिमल बन गया। फिर कहते हैं ईद से पहले पहले ऐसा हुआ कि दादी डिसअपीयर्ड, दादी गायब हो गई। और हम लोगों ने क्या किया, अपने फादर को ये वाली बात नहीं बताई, क्योंकि फादर उन दिनों बड़े गुस्से में आने लग पड़े हुए थे, बैड टेम्पर्ड हो चुके हुए थे। कहती है उसके बाद क्या हुआ, मतलब दादी तो गायब हो गई, फादर को भी नहीं बताया, उनका जो बिहेवियर था मूड था वो चाइल्ड लाइक हो चुका हुआ था, बैड टेम्पर्ड हो चुके हुए थे। कहती सो वी वेंट अबाउट अवर जॉब्स एंड ट्राई टू बी इस्लामिक फॉर अ डे, एक दिन के लिए हमने इस्लामिक बनने की कोशिश की और हम अपने जॉब्स पर चले गए। फिर यहाँ पर पूरा एक सीनरी बताती है कि सीनरी कैसी थी, खाना कैसा था। फिर वहाँ पे मेंशन करते हैं कि किस प्लेस में रहते हैं, लाहौर। लाहौर स्प्रेड लाइक पीस अराउंड अस, कि लाहौर ने हमारे इर्द गिर्द पीस फैलाया हुआ था। तो इट मींस स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, न्यू हेवन जहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे रह रही है। उसके बाद कहाँ शिफ्ट हुई, पास्ट पाकिस्तान में। अब पता लगा कौन सी सिटी, सिटी कौन सी है, लाहौर। ठीक है, कहती मेरे फादर जो थे ना, मेरे पापा, उन्होंने बात करना शुरू की, जब उन्होंने बात करना शुरू की हमसे तो इट वाज ऑफ पाकिस्तान, सारी पाकिस्तान के बारे में थी। कहते इसी दौरान मेरी दादी वापस आ गई, दादी वापस आई अपने गोट के साथ। उन्होंने फिर गोट को अगेन ज़िबा किया और इन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया, गोट को। इफ़त खाने से मना कर देती है, तिलत उरफान जो है वो इसको बानी पे होते हैं। इसके बाद जो स्टोरी है वो दादी के ऊपर शिफ्ट होती है कि दादी जो है वो अकेला रहना शुरू कर देती है। विंटर का टाइम होता है, कहती आई सी हलोन पेन स्टिकिंगली ड्रैगिंग हर स्ट्रॉ मैट आउट टू द कोर्ट यार्ड एट द बैक ऑफ द हाउस एंड फॉलोइंग द रिच कोर्स ऑफ द आफ्टरनून सन विद हर वुड गो हर कुरान अ मेटल बेसिन इन विच शी कुड वॉश हर हैंड्स। यहाँ पे उसकी रूटीन बताई गई है दादी की, कैसे वो अपने हाथ धोती हैं, फिर वो कुरान पढ़ती हैं, उन्होंने एक सेपरेट बेसिन रखा हुआ है, उनके पास एक स्ट्रॉ मैट है। और जो होली चीज़ें हैं, दादी बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, बल्कि जो दादी की दूसरी चीज़ें जैसे कि सीयू की आइटम्स होती हैं, राइटिंग मटेरियल है, सीयूइंग मटेरियल है, और साथ में उनका जो ऑयल है बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। कहती है और समर में जब गर्मियों के दिन होते हैं दादी छत पर रहती हैं अकेली, और वो मूनसून के महीने तक छत पर अपनी चारपाई पर सोती हैं। फिर उसके बाद सारा सुलहरी जो है यहाँ पर एक और इवेंट नरेट करती है, उसमें बताती है कि शाहिद जो कि दादी का फर्स्ट ग्रैंडसन है, वो सारा सुलारी समेत उसकी सिस्टर्स जो होती हैं उनको तंग कर रहा होता है, जिसके अंदर इफ़त नुज़हत सायरा ये तीनों होती हैं, इनको वो तंग कर रहा होता है, इनको छेड़ रहा होता है, इरिटेट कर रहा होता है, वो इनको डिस्कस्टिंग वीमेन कह रहा होता है। और दादी जो होती हैं वो यहाँ पर शाहिद की क्लास लगाने पड़ती लग पड़ती हैं। दादी इफ़त को इफ़त बेगम, तिल्लत को तिल्लत बेगम, नुज़हत को नुज़हत बेगम, और सायरा को सायरा बेगम कह के बुलाती हैं रिस्पेक्ट के साथ। फेमिनिज़म यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा हमें कि मेल जो है वो उनको डिस्गस्टिंग वीमेन कह रहा है, दादी ये यहाँ पे आई हैं, दादी इनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, और दादी यहाँ पे आकर फिर शाहिद की क्लास लगाती हैं। वो कहती हैं ग्रैंड सन नेवर टू कॉल हर ग्रैंड डॉटर्स वीमेन। आगे से कहता है व्हाट एल्स शैल आई कॉल देम मैन, शाहिद यल्ड चिल्लाता है। मैन सेड दादी, मैन देर इज मोर गुडनेस इन विमेंस लिटिल फिंगर देन इन द बी नाइटेड माइंड ऑफ मैन। ये एक फेमिनिस्टिक लाइन थी कि आदमी के काले दिमाग से ना जो औरत की छोटी छोटी फिंगर होती है ना उनमें भी कई अच्छी गुडनेस होती हैं, कई ज़्यादा गुडनेस होती है। फिर वो कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि औरत के कदमों के तले जन्नत है। इसके बाद शाहिद को गुस्सा आ जाता है। फिर इस नरेशन के बाद सारा की नरेशन शिफ्ट होती है, एंड ऑफ द मिडिल ईयर्स माई फादर स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हिज मदर, कि फादर ने अपनी माँ से बात करना छोड़ दी थी। अब क्या करते थे उसके फादर, दे सीक्रेटली हिट अपॉन अ नॉवल हिस्ट्रियोनिक्स दैट टुक द प्लेस ऑफ देयर डेली बैटल। अब इन सब से क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आई, लड़ाइयाँ कम होने लग पड़ी। दादी बार बार अपने बेटे के कमरे से बाहर से गुजरती थी, देखती थी कि क्या कर रहा है, और उसको यकीन नहीं आता था कि क्या वाकई ये इसका बेटा ही है, इफ़ ही वर रियल।
तो इस तरह से दादी की और फादर की लड़ाइयाँ बड़ी कम होने लग पड़ी थी। कहते कुछ टाइम गुजरा, दादी जो थी ना वो ओल्ड दिखना तो बंद हो चुकी थी, लेकिन वो इक्वलन टू डेथ दिख रही थी, जैसे बिल्कुल मरने के करीब करीब हूँ, इतनी वो वीक हो चुकी हुई थी। और दादी जो थी उसने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए थे अपने जो सारा के फादर थे उनको, क्योंकि इनमें जो कम्युनिकेशन गैप था वो आ चुका हुआ था, फादर इतनी बातचीत नहीं कर रहे थे। फिर जो सारा है वो बताती है कि जो दादी थी, दादी के जो बैड डेज थे वो ट्राइंग टाइम्स में आए थे, एयर ऑफ द ट्राइंग टाइम्स। ये कौन सा टाइम था? 1971 का टाइम था, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था और जो गांधी था वो टू नेशन थ्योरी के फेल होने के ऊपर हंस रहा था। अब 1971 की वॉर हो रही थी, ये थी इफ़त का जो हस्बैंड था उसको फाइटिंग के लिए जाना पड़ा। हम लोगों ने अपनी सारी वॉर इकट्ठी स्पेंड की इफ़त के साथ, इफ़त के फादर इन लॉ के साथ। इफ़त के फादर इन लॉ जो थे वो ब्रिगेडियर थे इन द पिंक हाउस ऑन द हिल, वहाँ बहुत से वेपन पड़े हुए थे। फिर वॉर कंटिन्यू रही, फिर डाका जो था फैल, देन डाका फैल एंड जनरल याह्या कैम ऑन टेलीविजन टू रिज़ाइन द प्रेसिडेंसी एंड कंसीड डिफीट। याह्या आया, उसने जो थे रिज़ाइन दे दिया और डिफीट को एग्री कर लिया था, डिफीट के ऊपर के हार चुके हैं हम। फिर ब्रिगेडियर जो है वो कहता है ड्रंक इसने पी हुई है, बाय गॉड और ड्रंक इसने पी हुई है। याह्या के बाद भुट्टो आ गया, भुट्टो आया कहाँ से? यूएन से। उसने याह्या को इसके घर के अंदर ही अरेस्ट कर दिया और बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जो इफ़त के हस्बैंड थे वो एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर 2 ईयर्स के लिए इंडिया में चले गए। कहती माई फादर लॉस्ट हिज न्यूज़पेपर, वी हैड एंटर्ड द एरा ऑफ द ट्राइंग टाइम्स। क्या हुआ? मुश्किलात का टाइम शुरू हो गया है ना, कि जो इफ़त का हस्बैंड था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, फादर ने भी जो उसका न्यूज़पेपर था जिसमें काम करता था उसको छोड़ दिया था, और ट्राइंग टाइम यानी कि हार्ड टाइम शुरू हो गया था, और दादी ने वॉर के ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान जो इफ़त और नुज़हत थे वो मदर्स बन गए एंड सायरा एंड तिलत ये दोनों खालास बन गई। और कहते जो उनके बच्चे थे वो जब हमारे पास आए तो एक काइंड ऑफ फैमिली के अंदर चेंज आया था, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हुई थी और ये खाला का लव था जो उनकी तरफ जा रहा था बच्चों की तरफ, तो चिल्ड्रन थे उन्होंने हेल्प की हमारी। जैसे लाइन है द चिल्ड्रन हेल्प्ड बिकॉज वी नीडेड डिस्ट्रैक्शन, दे आर बीइंग देन इन पाकिस्तान अ मस्टी टेस्ट ऑफ डिफीट टू ऑल आवर एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम आया, बैक पे हमने याह्या का पढ़ा, भुट्टो का पढ़ा, 1971 का पढ़ा, वो भी पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स था। इससे पीछे हम लोगों ने 1947 अगस्त का पढ़ा, इंडिया के अंदर जब पार्टीशन हुई थी वो भी पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स था। इसके अलावा वर्ड आलू का भरता यूज़ हुआ था पीछे और खाला का वर्ड यूज़ हुआ है अब। ये क्या है? अप्रोप्रिएशन, पोस्ट कॉलोनियल टर्म है जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ के अपने उर्दू के वर्ड्स डल जाते हैं, जैसा कि आई लव अबू, आई लव अम्मी इंग्लिश ही है, बीच में उर्दू का वर्ड ऐड कर दिया, तो इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या है? खालास का वर्ड यूज़ करना इज़ अप्रोप्रिएशन, जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म है, तो पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट भी हम लोग को इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बताया गया कि दादी जो थी वो खुद से ही बातें करती थी और इनके घर में एक वर्कर थी हलीमा, वो क्लीनिंग वुमेन थी। वो पूछती है सारा से डू आई ग्रेव और डू आई सेलिब्रेट, क्या क्यों पूछती है? हलीमा हैड गिवन बर्थ टू हर लेटर सन द नाइट हर ओल्डर चाइल्ड डाइड इन स्क्रीम्स ऑफ मेनिनजाइटिस, वन हर्ट नेवर टू बी फॉरगॉटन। यहाँ पे मेनिनजाइटिस जो है ये एक डिजीज़ मेंशन की गई है, कि कहती है कि एक रात क्या हुआ है, पहले जो है इसका बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद क्या, इसका जो पहला बच्चा था पुराना ओल्ड चाइल्ड उसकी डेथ हो गई है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर रोना चाहिए? यहाँ पे भी सफरिंग मेंशन की उसने विमेन की। इसके अलावा इससे पहले इसने अपने मदर की सफरिंग मेंशन की है कि वो वेल्स से बिलोंग करती थी, वेलिश मोम थी, जो जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आता था, उसके बच्चे उससे दूर थे और वो इंडिया में रह रही थी और उनको इंडिया में रहते बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही थी। ये क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा था उनको। और यहाँ पे जब मैं हलीमा की बात कर रही थी, उसके बच्चे की डेथ हुई तो एक तरफ एक बच्चा पैदा हुआ, तो इसके बाद तो कहती है कि हलीमा के बच्चा फोत हो गया लेकिन हफ्ते बाद वो वापस ड्यूटी पर आ रही है। यहाँ पर ये अगेन जो फीमेल ड्यूटीज़ हैं उनको हाईलाइट करेगी। फिर यहाँ पर बताती है कि ना जब वो ड्यूटी पे वापस आई तो हफ्ते बाद मैं और वो कपड़े धोकर उसको सूखने के लिए डाल रहे थे विंटर के अंदर,
तो कहती है यहाँ पे पाकिस्तान में विंटर है लेकिन इंग्लैंड में इसको स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंपैरिजन भी देगी, पीछे भी इसने कंपैरिजन दिया था, यहाँ पे भी देगी स्प्रिंग और विंटर का, डिफरेंट सीजन को रिलेट करेगी इंग्लैंड के साथ। कहती फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, स्टोरी शिफ्ट समर की तरफ चले गई कि इसकी जो मदर थी वो इंग्लैंड चले गई, क्योंकि जो इसकी मदर की मदर थी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, यानी कि इसकी नानी लगती हैं वो। फिर कहती हैं जब वो चले गई ना, उस पर बात क्या हुआ, उसके बाद इसकी और तिल्लत की लड़ाई हुई, इसने तिल्लत को मारा, इसकी इसके भाई की भी लड़ाई हुई इरफान के साथ, जिससे उसकी आँख जो थी वो सीरियस हो गई थी। तो कहती है दोनों जो थे एक्सीडेंट्स थे। फिर बताती है कि एक दिन मैं किचन में थी, संडे का दिन था और इनके कुक का नाम है अल्लाह दित्ता, वो इवनिंग पे ऑफ था, ठीक है, उसे छुट्टियाँ ली थी शाम की। कहते एक दिन क्या हुआ, संडे का टाइम था, संडे का दिन था, अल्लाह दित्ता मुझे किचन में ले गया, उसने मुझे ना कुछ प्रिकॉशंस बताए, कुछ एहतियाती तदाबीर बताई और बताया कि इसको ऐसे पकाना है, इसको ऐसे करना है, अगर ओवर हीट किया तो ये ज़्यादा बुरान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो कहती मैं ना किचन में थी, खाना गर्म करी थी, उस दौरान फरनी जो है इरफान का निक नेम है, फरनी आया, वो एजमा का पेशेंट था, ठीक है, उसको एजमा का इशू हो गया, क्रिकेट हॉकी खेल के वो आया था। तो फ़ौरन से क्या किया हम लोगों ने, तिल्लत ने और मैंने, बाउल के अंदर पानी गर्म किया, उसके पास वो बाउल पकड़ा दिया, टावल रख दिया ताकि वो उसे स्टीम ले। इस दौरान वो जंपिंग कर रहा था, जंपिंग करते हुए क्या हुआ, वो जो हॉट वाटर था वो इरफान के ऊपर गिर गया, इरफान की स्किन चल गई, मैं चिल्लाई यानी कि सारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके फादर ने चिल्लाते हुए पूछा क्या हुआ है, अपने रूम से पूछा था, दादी ने पूछा क्या हुआ है, जब सब ने आके देखा तो इरफान जला हुआ था। फिर इरफान के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आया और डॉक्टर ने जो जब रियलाइज़ किया कि सारा एक वुमेन है और वो एक मेल के पास बैठी हुई है, उसको वहाँ से रूम से भेज दिया। एनी हाउ सब कुछ जो हुआ इस बारे में इन्होंने अपनी मामा को नहीं बताया था, कहते क्योंकि मामा जो है अपने वो एक टूर पे गई हुई हैं अपनी मदर को देखने के लिए और परेशान होंगी। अब यहाँ पे सारा ना उसकी मदर की जो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा, उसको डिस्कस करे। कहते एक दिन मुझे मामा ने बताया, और दैट आई वॉज मोर यूज टू फीलिंग अनफेमिलियर इन लाहौर, इट्स जस्ट दैट फेमिलैरिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट रियली। और इससे पहले भी एक लाइन कोट की हुई है, वही है कि मामा रियलाइज दैट हर चाइल्डहुड वॉज डिस्टिंक्टली लॉस्ट। और ये कब हुआ था, जब वो वेल्स में वन आफ्टरनून वॉक कर रही थी, ठीक है, उस दौरान उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जब लाहौर में आ चुकी है, जो वेल्स में उसका टाइम पीरियड था बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ था। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वो बात कर रही है, फैमिली आइडेंटिटी की बात करी, मदर आइडेंटिटी की बात कर रही है, आइडेंटिटी लॉस की बात कर रही है। और आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली पोस्ट कलोनियल का एलिमेंट होता है, और क्योंकि पाकिस्तान में गए कब, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पोस्ट कलोनियल, ठीक है, यानी कि आफ्टर द कलोनियलिज्म, जैसे कि 1947 पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो तब गए ना पाकिस्तान, उसके बाद फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ मदर डायस्पोरा दिखाया जा रहा है। कैसे डायस्पोरा दिखाया जा रहा है, बिलोंग करती है वेल्स से, आई है पाकिस्तान लाहौर में, शिफ्ट भी हो चुकी है वहाँ पे, स्टिल शी इज़ डायस्पोरिक, क्योंकि कल्चर में सही से असिमिलेट नहीं हो पा रही। अब इसके बाद बताती है कि मदर का लेटर है वो वापस आने वाली है, फादर देखे बड़ा खुश हुआ और उसने उसको किस्ट किया और अपने पॉकेट में रख लिया खुशी से। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसकी मदर यहाँ पे नहीं है, समर का टाइम पीरियड है, तिल्लत और ये एक्सपीरियंस अ न्यू बॉन्ड ऑफ पावरलेसनेस, द वाइट एंड शेकिंग रेज ऑफ सेक्सुअल जेलसी इन पेरेंटहुड। बेसिकली सारा ना खुद को तिल्लत की मदर समझती थी, पेरेंट लाइक ट्रीट करती थी उसको, और बड़ा क्यूरियस रहती थी, बड़ा केयरफुल रहती थी उसको लेकर। एक दिन क्या हुआ, एक रात ऐसा हुआ था कि इसके फादर जो थे वो भी यहाँ पे नहीं थे, और जो तिल्लत थी वो बहुत ही लेट घर पे आई, अल्लाह दित्ता भी अपने घर जा चुका था, दादी और इरफान सो चुके हुए थे। कहती है मैं पढ़ रही थी एंड थॉट, मैं सोच रही थी एंड वॉकड अप एंड डाउन द गार्डन एंड तिल्लत वॉज वेरी वेरी लेट, बहुत देर से आई थी। व्हेन शी केम बैक शी रोर, शी वोर द स्ट्रेंज शीथ ऑफ कंप्लेसेंसी एंड गिल्ट विच प्लेयर पुट्स ऑन फेसेस वेरी यंग, मतलब प्राउड फील कर रही थी, एरोगेंट थी, डरी भी हुई थी और खुश भी थी, सेम टाइम्स ड्यूअल फीलिंग्स। फिर अपने सुपीरियर वे में कहती है सारा को,
डू नॉट सारा फिजिकल वॉयलेंस इज सो डिग्रेडिंग. अगर सारा कहती है टू यू मे बी आई आंसर्ड एंड हिट हर वंस अगेन. यहाँ पे तिलत एक शेमफुल एक्ट कमिट करके आई थी जिस पे इस पे सारा ने उसको मारा और इन दोनों की एक फाइट शुरू हो गई थी. एनी हाउ इस इवेंट के बाद जो है ना इवेंट शिफ्ट हो जाता है दादी के बाप पर. दादी जो है वो जल गई थी और आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हुई थी. हुआ ये था कि अप्रैल का टाइम था, रात का वक्त था, दादी को बड़ा ज़्यादा ना चाय पीने की तलब हुई. ठीक है, चाय पीने का बड़ा दिल किया और 3 बज रहे थे. दादी चाय बनाने गई लेकिन चाय बनाते हुए दादी खुद ही जल गई. जब दादी ने जलने पे चीख मारी तो वो आवाज़ तिलत ने सुनी. तिलत उठ के भाग ही गई दादी की तरफ और कंबल से उसने आग बुझाई जो दादी को लगी थी. अब दादी के जलने के बाद लग रहा था कि दादी ने मर जाना है, लेकिन दादी बच गई थी, कुछ भी नहीं उनको हुआ. सारा जो थी वो उनकी ड्रेसिंग किया करती थी, सारा उनका ख्याल रखा करती थी. दादी की ब्रेस्ट पूरी तरह चल चुकी थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दादी जो थी वो रिकवर होना शुरू हुई थी. और अपने रिकवरी के बाद दादी के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे, उनकी डाइट में भी काफ़ी चेंज आए. जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि दादी जो थी ना उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था. शी हैड फॉरगॉटन टू प्रेयर. लेकिन दादी ने प्रे करना छोड़ दिया, ऑन द अदर हैंड उनके फादर ने प्रेयर करना शुरू कर दिया था, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी. जो उनके फादर थे बड़े पैट्रियोटिक हो चुके हुए थे और इस्लाम जो था वो उसको इस तरह फॉलो कर रहे थे जिस तरह के वो लवर ऑफ इस्लाम ले चुके होंगे. यदि ऐसा हुआ कि इस्लाम पाकिस्तान के स्ट्रीट्स में फैलना शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन दादी जो नमाज़ पढ़ती थी उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, छोड़ दी थी. दैट वॉज़ अ चेंज वन दादी पैस्ड हर सेल्फ टुगेदर अगेन एंड फोकट टू पुट प्रेयर बैक इन टू इट्स प्रॉपर पॉकेट फॉर गॉड कुड नाउ लीव द होम एंड सोन वुड जॉइन द गवर्नमेंट. कि जो गॉड है उसने अब घरों को छोड़ दिया, अब ज्वाइन उसने जो है ना अब गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो फादर थे उन्होंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, रोज़े रखना शुरू कर दिए, हज पे जाना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया उनसी आवाज़ में घर के अंदर. और दादी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो चुकी थी. कहती सब कुछ देख के ना मेरी माँ भी बड़ा परेशान हो गई थी, मैं भी बड़ा परेशान हुई. हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि तिलत और मैं हमने डिसाइड किया कि हम लोग ना पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं. तिलत ने डिसाइड किया था कि वो कुवैत जाएगी और वहाँ पर जाके शादी कर लेगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका चली जाऊँगी. और मेरी मदर ने हमारी बड़ी हेल्प की. ऑलरेडी मेरी मदर के जो बच्चे थे वो उनसे दूर थे जो कि वापस नहीं आए थे और उनके बगैर वो लाइफ गुजार रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी हार्डशिप बर्दाश्त की, भी पेन बर्दाश्त की और हमें भी यहाँ से भेज दिया. मैं अमेरिका चले गई और तिलत कुवैत चले गई क्योंकि पाकिस्तान बहुत चेंज हो चुका था, पाकिस्तान में टाइम पीरियड बड़ा चेंज हो चुका था, उनके फादर बड़े चेंज हो गए थे. फिर कहती है वी लेफ्ट एंड इस्लाम प्रिडिक्टेबली टुक द स्ट्रीट्स टू द स्ट्रीट्स शेकिंग भुट्टोज एम्पायर. भुट्टो की एम्पायर तो तबाह हो गई और इस्लाम जो है पूरी गलियों में फैल गया. मामा एंड दादी रिमेन द ओनली वुमेन इन द हाउस, द वन अनटॉकिंग द अदर अनप्रेइंग. कि माँ ने बात करना छोड़ दी और जो दादी थी उन्होंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी. फिर इसके बाद जो है ना नरेशन शिफ्ट हो जाती है सारा की मदर की डेथ की तरफ. कहती है दादी ने ना बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बिहेव किया था मदर के फ्यूनरल पे. मुझे किसने बताया, सिबलिंग्स ने. दे टोल्ड मी एंड मेड देम ऑल अनॉयड. ठीक है, क्योंकि सारा कहाँ पे है, इंग्लैंड में, अपने मदर के फ्यूनरल को ये अटेंड नहीं कर पाई. दादी ने बड़ा ऊंची ऊंची रोना धोना शुरू किया, अननेसेसरी लेमेंटेशंस की इन द डाइनिंग रूम. और कहती है उस दौरान इफ़त, नुजी और तिलत ये तीनों क्या कर रहे थे, डीलिंग विद रोजेज एंड आइस, फ्रोजन आइड हो चुके हुए थे, परेशान थे और सारी डीलिंग्स कर रहे थे. और दादी हर एक की अटेंशन को गेन कर रही थी. दादी कहती रोते हुए योर मदर हैज़ बिट्रेड योर फादर, शी हैज़ लेफ्ट हिम, शी हैज़ गॉन. और इसके बाद क्या हुआ, जब खाना आया तो फिर दादी की अटेंशन पूरी खाने की तरफ थी. कहती फिर सालों बाद जब मैं वापस आई, कुछ साल बाद जब वापस आई और मैंने ये टेल सुनी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. When I returned to Pakistan, I was too peeved with Dadi to find out how she was. मैंने बड़ा गुस्सा करके दिखाया. अब यहाँ पे क्या था, इस ड्यूरेशन के अंदर जो जनरल ज़िया थे ना वो आए थे. अब कुछ लोग हैं वो जनरल ज़िया को बुरा करते क्योंकि कहते हैं क्योंकि उन्होंने
जो इस्लाम का सिस्टम था उसको हर जगह फैलाया था, और कुछ जो है वो उनके फेवर में है क्योंकि उन्होंने इस्लाम का सिस्टम फैलाया था, और कुछ लोग इस्लाम जो है उनको पसंद, उस इस्लाम को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर टू ग्रुप्स ऑफ थॉट है, एक जो है जनरल ज़िया को फेवर करता है, एक जो है उनको फेवर नहीं करता। जो लिबरल्स हैं ना वो जनरल ज़िया को फेवर नहीं करते, जिन लिबरल्स जो है ना वो पार्टीशन को भी फेवर नहीं करते, जैसे कि सारा सुलेरी ये पार्टीशन को फेवर नहीं करती। लिबरल्स जो है ना ये मुस्लिम्स के राइट को भी इतना फेवर नहीं करते, कहते हैं मुस्लिम को सप्रेस किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है। हालांकि जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, मुस्लिम को सप्रेस नहीं किया जाता, सब्जुगेट नहीं किया जाता, उनको हर तरह के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि फेमिनिज्म ने देखा, जो निकलता है सड़क पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन लेकर, मेरी मर्जी का स्लोगन लेकर, वैसा स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, जो कि कहते हैं फीमेल को जी जुल्म का निशाना बनाया हुआ है, तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ है, उनको एक्सप्लोइट किया जा रहा है, सब्जुगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। ऑन द अदर हैंड दूसरी भी औरतें निकलती हैं जो कहती हैं मेरे फादर मेरे मुहाफिज़, मेरा भाई मेरा मुहाफिज़, मेरा शोहर मेरा मुहाफिज़, इसका स्लोगन लगा रही होती हैं। वो इनके रिएक्शन में ही तो बाहर आई ना, वो क्या कहती हैं कि पाकिस्तान में हर तरह के राइट है औरत के लिए, हर तरह की उनको वो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और सिक्योरिटी है अपने भाई के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने फादर के साथ प्रोटेक्टिव फील करती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप मैंने बताया वो लिबरल्स का था, सेकेंड जो है उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, ठीक है, या मॉडरेट भी कहा जाता है। एनी हाउ जो लिबरल्स का था ना उन्हीं थॉट को प्रमोट करने वाली सारा सुलहरी हैं, जैसे कि एंटी पार्टीशन, उसके अलावा एंटी इस्लामिक थॉट, उसके अलावा ये पैट्रियोटिक नहीं दिखाई गई, जैसे कि आपने अभी तक देख लिया। अब यहाँ पे जनरल ज़िया को ये जनरल जुलू कह के बुला रही हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमिलेटिंग वे में बुला रही है। कहती ऐसा हुआ कि जो भुट्टो था उसको उसके घर में बंद कर दिया गया था, उसके ट्रायल का इंतज़ार किया जा रहा था, अब क्या होना है। और जो जनरल जुलू था, जनरल ज़िया को ये जुलू कह रही है, वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, कि हर जगह इस्लामाइजेशन जो पाकिस्तान के ना वो फैला रहा था। बट वी हैड नो टाइम टू नोटिस, हमारे पास कोई नोटिस करने का टाइम नहीं था। मेरी मदर को दफना दिया गया था, माई मदर वॉज ब्यूरिड एट द नर्व सेंटर ऑफ लाहौर एन अनट्रूली एंड डस्टी प्लेस, and my father immediately made arrangements to buy the plot of the of land next to her grave. We are ready when you are. Shahid sang. अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसके फादर ने इमिजिएटली एक नेक्स्ट प्लॉट, यानी कि उसकी कब्र के साथ अगला प्लॉट खरीद दिया कि वहाँ पर दफनाया जाएगा, उसके फादर को अपनी मदर के साथ ही, यानी कि अलग नहीं दफनाया जाए, उसके साथ ही दफनाया जाए। और शाहिद जो है वो उर्दू पोइट्री पढ़ता है अपनी मदर की कब्र के ऊपर। अब कुछ देर बाद क्या होता है, सारा जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में बड़ा एंगर शो करती, अपनी दादी की किस्म को देखना भी पसंद नहीं करती। तो उसके बाद जो है ना, मैं फिर भी अपनी दादी को देखने जाती थी। अब हुआ ये क्या, ऐसा हुआ कि अपनी मदर को ग्रेव को देखने के बाद कहती मैं वापस अमेरिका आ गई। फिर 6 मंथ लेटर मुझे न्यूज़ आई कि दादी की भी डेथ हो गई है, दादी इज़ डेड नाउ। और ये कब हुआ, इट हैपेंड इन द सेम वीक दैट भुट्टो फाइनली वॉज हैंग्ड। यहाँ पे फिर पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का एलिमेंट आ गया। अब कहती है कि दादी की डेथ की न्यूज़ फादर ने उसको दी। अब फादर जो थे वो खुद भी पाकिस्तान में नहीं थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की वापस जाने की फ्यूनरल की, लेकिन उस टाइम पे जब भुट्टो को लाइक हैंग्ड कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी, तो जो उसके फादर भी थे वो पॉलिटिकल मैटर के अंदर इतना बिजी थे, भुट्टो टॉक के अंदर इतना बिजी थे इंग्लैंड के अंदर, कि उन्होंने अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया, इसलिए वो वापस नहीं गए। लेकिन लकीली इरफानी वॉज एट होम एंड ही सा दादी टू हर ग्रेव, इरफान था घर पे और इरफान उसको ग्रेव पे लेके गया दादी को। मैंने यहाँ पे शाहिद लिखा है, इसको कट करके आप इरफान कर लीजिए, क्योंकि इरफानी वॉज एट होम, इरफान घर पे था। कहती इसी के साथ साथ जब भुट्टो को भी हैंग कर दिया गया तो पाकिस्तान की भी कंडीशन क्या हो गई, अनरिलायबल हो गई। पाकिस्तान में बड़े चेंज आए, और चेंज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्ड में आए, हीरोइन की ट्रेड होने लग पड़ी, पाकिस्तान के जो सिटीज़ के नेम थे, जो प्लेसेस थी, जो लोकेशन थी, वो भी चेंज हो गई, कि इवन कि मुझे भी कोई जो सिटीज़ थी उनके नेम्स बड़ी मुश्किल से याद रहे होंगे। ये कौन कह रही है, सारा कह रही है। फिर कहती उसके बाद क्या हुआ, 2 ईयर्स लेटर मदर की डेथ के 2 साल बाद इफ़त उसकी भी डेथ हो गई। मार्च का मंथ था, इफ़त एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस कार एक्सीडेंट की बेस पे मारी गई। पहले मदर की डेथ हुई, फिर दादी की डेथ हुई, दादी की ग्रेव का कोई नामो निशान ना मिला,
पाकिस्तान जो चेंज हो गया था, पाकिस्तान की जो लोकेलिटी थी वो चेंज हो गई थी, सिटीज़ के नेम चेंज होना शुरू हुए। उसके बाद क्या हुआ, सिस्टर की डेथ हो गई 2 साल बाद, मतलब मदर की डेथ के 2 साल बाद सिस्टर की डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट में मारी गई। तो ये सारी मेमोरीज जुड़ी हैं इसकी पाकिस्तान के साथ, इस वजह से भी ये पाकिस्तान को लाइक नहीं करती क्योंकि इसका पाकिस्तान में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है। और ये कहती है, इट कट अवे ऑफ कोर्स ओवर इंटीमेसी विद पाकिस्तान वेयर हिस्ट्री इज सिनोनिमियस विद ग्रीफ एंड ऑलवेज मोस्ट एट होम इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रीविंग। फिर इसके बाद आगे शाहिद कहता है सारा को, वी आर लॉस्ट सारा, और शाहिद ही उसको इंग्लैंड से फ़ोन करके कहता है। एनी हाउ इफ़त को जो उसकी मदर थी, जो प्लॉट उसके फादर ने अपने लिए बाय किया था, वहाँ पे दफना दिया गया। तो यहाँ पे कहती है सारा, मामा एंड इफ़त हैव बिकम आर्किज़म्स क्वेटनेसेस ऑन ओवर लिप्स, मतलब वेरी ओल्ड फैशनड। एनी हाउ इसके बाद इसका नरेशन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, कहती है नाउ आई लिव इन न्यू हेवन एंड फील क्वाइट हैप्पी विद माई लाइफ। ये पाकिस्तान से आ गई है और कहाँ पे आई है, न्यू हेवन में आई है, मैं यहाँ पे तो बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। आई मिस ऑफ कोर्स द एब्सेंस ऑफ वुमेन एंड ग्रो इंक्रीजिंगली नॉस्टैल्जिक फॉर अ वर्ल्ड वेयर द मॉड्यूलेशंस ऑफ एज आर एज रिकॉग्नाइज्ड एंड वेलकम्ड एज द शिफ्ट फ्रॉम सीजन इनटू सीजन। अब यहाँ पे नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट को याद करना, मेमोरीज, और ये कंपेयर कर रही है अब प्रेजेंट को, कहते लेकिन मैं अब जहाँ पे हूँ वहाँ पे क्या है, स्पेस ऑफ एज सेम दी गई है 29 से 56 ईयर्स के लोगों तक। व्हेन आई टीच टॉपिक्स इन थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, अब यहाँ पता लगा कि ये क्या है, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा रही है। मच टाइम इज़ लॉस्ट इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट द थर्ड वर्ल्ड इज लोकेटेबल ओनली एज अ डिस्कोर्स ऑफ कन्वीनियंस। और कहते हैं यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड में इक्वल स्पेस तो दी ही नहीं गई वीमेन की, वीमेन जो है यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड वे में है, जैसा कि बिल्कुल एंड वाली लाइन में देखें, अगेंस्ट ऑल माय ऑन ऑर्ड्स आई नो व्हाट आई मस्ट से बिकॉज आई विल आंसर स्लोली देयर आर नो वीमेन इन द थर्ड वर्ल्ड। के थर्ड वर्ल्ड के अंदर कोई वीमेन रहती ही नहीं है। शुरू में ये कह रही है ये औरतों को याद करती है जो कि पाकिस्तान में, लिविंग पाकिस्तान इज़ लाइक अ लिविंग वीमेन, औरतों को छोड़ना। एंड पे ये कह रही है ऑपोजिट एंडिंग है कि वहाँ पे तो कोई औरत रहती नहीं है, मतलब क्या है, कहती है औरत की आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता है, ऑप्रेस कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, सब्जुगेट कर दिया जाता है, औरत की कोई आवाज़ ही नहीं है, उसको सबाल्टन बना के रखा हुआ है। डोमिनेंट सोसाइटी किसकी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जैसे यहाँ पे कहती है देयर्स इम्पीरियल इफ़त, देयर्स ममा इन द गार्डन एंड हलीमा द क्लीनिंग वुमेन इज देयर टू, देयर्स अनकैनी दादी विद हर गोट। ये सब लेडीज़ का मेंशन करती है यहाँ पे, जो जो इसके अंदर आई उनकी सफ़रिंग का मेंशन करती है, और सफ़रिंग के थ्रू यहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल की कंडीशन है उनको हाईलाइट कर रही है, और फेमिनिज़म इसके अंदर हाईलाइट कर रही है। टाइटल भी फेमिनिस्टिक है, एंड पे भी फेमिनिस्टिक अप्रोच बाल्टन वाली दे रही है कि फीमेल की वॉइस को वॉइसलेस कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, ये चैप्टर भी क्लियर हो चुका होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि थीम्स को और उसके अलावा जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको क्रिटिकली आपको बता सकूं। इंपॉर्टेंट थीम्स पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स, दादी का करेक्टर इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल रेफरेंस दिए गए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और फूड देखिए, जहाँ पे फूड की बात आई कि दादी किचन में चाय बनाने के लिए गई, फूड बनाने के लिए गई लेकिन जल गई, ठीक है। गोट, गोट को मारना, इसने किल्ड का वर्ड यूज़ किया सेक्रीफाइस की जगह, गोट मीट है, मीट को किल्ड करना, सेक्रीफाइस करने की जगह किल्ड का वर्ड यूज़ किया, तो इट मीन्स डेथ को सिम्बलाइज करी है। तो यहाँ पे मीटलेस डेज थ्रू आउट द चैप्टर के अंदर मीटलेस जो है वो डेथ को ही हाईलाइट करा है, सिस्टर की डेथ, दादी की डेथ, मदर की डेथ और हलीमा के बच्चों की डेथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मदरलेसनेस, सिस्टरलेसनेस, फादरलेसनेस, लाइफलेसनेस, होमलेसनेस, ये सब के सब थीम इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो टाइटल भी यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो रहा है उसकी सिग्निफिकेंस। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।